कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका चाय पर चर्चा कार्यक्रम में। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो चाय पर चर्चा की जो सीरीज है, ये सबरंग महिला उद्यमी अवार्ड 2020 के विभिन्न चरणों के तहत आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ उपस्थित हैं श्रीमती सुमन राठी, जो कि हरदा शहर में राजस्थान टायर हाउस नामक एक शॉप की संचालिका है। और राजस्थान टायर हाउस जो है, ये MRF टायर की एक्सक्लूसिव डीलरशिप राजस्थान टायर हाउस के पास है। मैडम, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम चाय पर चर्चा में। नमस्कार। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और श्रीमती सुमन राठी के व्यवसाय को समझने के पहले जानते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, उनका बचपन, माता पिता, शिक्षा, वैवाहिक जीवन। मेरा बचपन राजस्थान के अजमेर शहर में हुआ। वहीं मेरी पूरी पढ़ाई, शिक्षा, दीक्षा सारी हुई। मेरे फादर भी टीचिंग जॉब में थे, हेडमास्टर रहे थे काफ़ी साल तक, और उसके साथ साथ बिजनेस भी करते थे। वो उनमें काफ़ी टैलेंट था, इवन कि कई लोग उनसे गाइडेंस लेने आते थे कि मैं अपने बच्चों को कौन सा बिजनेस करूँ, तो वो उसका फ़ायदा अपनी लाइफ में भी लेते थे। तो हर साल कुछ ना कुछ नया बिजनेस ऐड करके वो बिजनेस करते रहते थे। शिक्षा पूरी फर्स्ट टू बीकॉम ग्रेजुएशन तक मेरी वहीं हुई थी। बीकॉम किया है आपने? हाँ। कॉमर्स ग्रेजुएट है। 1984 में मेरी शादी हुई थी जी। और तब से हरदा मेरे हस्बैंड एक बिजनेसमैन थे और काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन थे, तो उनको चारों तरफ ही उन्होंने बहुत अच्छी अपनी इमेज बना रखी थी। आज शायद मुझे आज बिजनेस में उनकी जो इमेज बनी हुई है उसका भी काफ़ी फायदा होता है। तो इस प्रकार हमने सुमन राठी मैडम के व्यक्तिगत जीवन के बारे में जाना, उनकी शिक्षा कहाँ संपन्न हुई। अब हम जानते हैं उनके व्यवसाय के बारे में। मैडम, आपके व्यवसाय से संबंधित जानकारी हमारे दर्शकों को। मैं 2013 से MRF टायर के एक्सक्लूसिव डीलर हूँ, और उसमें पूरे MRF टायर एक ऐसा टायर है जिसमें कि टू व्हीलर से लेके एयरोप्लेन तक के टायर बनाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा रेंज आपको MRF टायर में ही मिलेगी। और 2 या 3 महीने इसको जब स्टार्ट किया हमने, तब बेटे ने संभाला था, लेकिन बेटे के साथ में मैंने धीरे धीरे ये सारा बिजनेस समझा और उसके बाद में मैं ही खुद ही हैंडल कर रही हूँ। आपकी शॉप का नाम क्या है? राजस्थान टायर हाउस, इंदौर रोड पर सिचुएटेड है ये। तो MRF टायर की एक्सक्लूसिव डीलर हैं आप, और MRF की लगभग सारे मोटरसाइकिल से लेके ट्रैक्टर तक के सारे टायर्स यहाँ पे आपके शॉप पे अवेलेबल, सब अवेलेबल। मैडम, जैसा कि आपने बताया कि 2013 में आपने ये राजस्थान टायर्स की शुरुआत की और MRF की एजेंसी आपने शुरू की, तो किन परिस्थितियों में आपको ये शॉप शुरू करना पड़ी, एजेंसी आपने शुरू की, उस संबंध में थोड़ा सा बता सकते हैं? जुलाई 2011 में अचानक एक एक्सीडेंट में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। उस समय तक जॉइंट में बिजनेस था और एग्रीकल्चरल एम्प्लीमेंट, मोटर पंप सेट, इस टाइप का जो बिजनेस था वो था जॉइंट में। लेकिन साल भर के बाद फिर शायद वो जॉइंट में चल नहीं पाया, इसलिए मुझे अपना सेपरेटली बिजनेस स्टार्ट करना पड़ा। ओके। तो ये MRF टायर, ये आपने टायर की शॉप शुरू करना, जैसे थोड़ा सा लगता है कि एक महिला टायर शॉप रन कर रही है, टायर की एजेंसी रन कर रही है, तो ये बहुत कम देखने को मिला है। तो ये टायर एजेंसी आपने क्यों चूज की? एक्चुअल में मुझे बिजनेस का कुछ भी नॉलेज नहीं था और बेटे के लिए मैंने ये बिजनेस स्टार्ट करवाया था। लेकिन थोड़े टाइम बाद जब बिजनेस को देखा और मुझे समझ में आने लगा, तो एक्चुअल में मुझे पढ़ाई का भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने कहा अगर बेटे को मैं यहाँ बिजनेस कराऊँगी तो उसकी पढ़ाई छूट जाएगी, उसकी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए उसे मैंने बाहर भेजा और ये बिजनेस मैंने खुद ने अपना हाथ में लिया, और जब से पूरा बिजनेस पे मैं संभाल रही हूँ। अभी अभी आपका बेटा आपका बिजनेस में हाथ बटाता है? नहीं, अभी वो जॉब कर रहा है। अच्छा, अभी एशियन पेंट में जॉब कर रहा है। उसने गोवा मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट से MBA किया और पहले 3 साल उसने BCOM भी इंदौर से किया था, उसके बाद में 2 साल गोवा से किया उसने।
ढाई साल हो गए उसको जॉब कर रहा है। दो साल उसने बजाज एलियंस में किया था और अभी रिसेंटली छः महीने से एशियन पेंट में उसका जॉब। अच्छा मैडम, यहाँ पे जैसे आप टायर राजस्थान टायर्स आप रन कर रहे हैं, तो आप आपके साथ कौन कौन और इस राजस्थान टायर्स की मैनेजमेंट कमेटी में ये आपने जो व्यवस्था है कौन कौन देखता है आपके साथ? नहीं, इसमें केवल मेरे पास एक वर्कर है, बाकी पूरी व्यवस्थाएं नहीं देखती। और अगर कुछ गाइडेंस लेना रहता है तो बेटे से ले लेते हैं। ऑलरेडी MBA है वो, तो वो आपको मैनेजमेंट के जो भी टिप्स हैं वो आपको समय समय पर देते रहते होंगे। मैडम, हमारे दर्शकों को अपने परिवार के बारे में बताइए। हमारे परिवार में ये तीन भाई थे, एक बड़े भैया ने हमारे और एक छोटे भैया, ये बीच में। जी जी, और चंद्रशेखर जी के बड़े भाई, बड़े भाई और एक छोटे छोटे भाई। ठीक है, और बच्चे आपके? दो बच्चे हैं मेरे, एक लड़का है एक लड़की। एक लड़का एक लड़की, लड़की की शादी हो चुकी है। लड़की की शादी हो चुकी है, ठीक है। लड़की की शादी कब हुई? 2011 मई में। और ये हादसा कब? जुलाई 11 में। शादी के दो महीने। अब 2011 के बाद 2013 में आपने शुरू किया, 2011 और 2013 इसके बीच में के बारे में कोई बात इस तरह की आपने महसूस की हो और कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? और 2013 में ये व्यवसाय किन परिस्थितियों में शुरू हुआ, क्यों आपके दिमाग में ये शॉप शुरू करने का विचार आया, इस संबंध में थोड़ा समझाइए। पहले मेरे हस्बैंड और मेरे देवर का साथ में जॉइंट बिजनेस था, ठीक है। और साल भर के बाद फिर उन लोगों ने बोल दिया कि अब सेपरेट करेंगे इसको। अच्छा, और ये बिजनेस थोड़ा टिपिकल था, बच्चा छोटा था। अच्छा, इसलिए फिर उन लोगों ने डिसीजन लिया कि कुछ इजी गोइंग बिजनेस इसको करा दिया जाए ताकि बच्चा कर सकता है। ओके, तो बेटे के हिसाब से किसने डिसीजन लिया, कौन आपका सहयोगी था उस समय, मतलब यही लोग आपके हस्बैंड के ब्रदर्स? उन्होंने ये डिसाइड किया कि कोई ऐसा इजी बिजनेस शुरू किया जाए, ठीक है। और उसमें टायर की एजेंसी का एक ऑप्शन आपके पास आया, ठीक है। तो 2013 में आपने ये शॉप शुरू की, 2013 में इस शॉप में लगभग कितनी राशि का इन्वेस्टमेंट हुआ होगा ये शुरू करने में? करीबन 18 लाख 18 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट उस समय। ये बिजनेस शुरू होने के बाद कितने समय बाद आपने उसको फुल टाइम इन्वॉल्व, जैसे आपने बताया कि आपने बेटे के लिए बिजनेस शुरू किया था और कुछ समय बाद आपने बेटे को पढ़ने भेज दिया और खुद आप शॉप पे वो उस एजेंसी पे आप जाके खुद बैठने लगे,